नमस्कार, मैं निकिता वागदे स्टार अपेक्स न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक नया सेगमेंट लाए हैं। सेगमेंट का नाम है स्टोरी टेलिंग। इस स्टोरी टेलिंग में मैं आपको जिंदगी से जुड़ी कुछ कहानियाँ बताने वाली हूँ। दोस्तों, जब हमें कोई मना कर देता है तो हम बहुत नाराज होते हैं, बिना ये कुछ जाने कि इसके पीछे भी कुछ वजह हो सकती है। तो इसी से जुड़ी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक चिड़िया अपने और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने के लिए पेड़ पर जगह तलाश कर रही थी। वो एक पेड़ के पास गई, पेड़ से पूछा कि क्या मैं आपके पेड़ पर घोंसला बना सकती हूँ। तो उस पेड़ ने मना कर दिया। फिर वो नाराज होकर दूसरे पेड़ के पास गई, दूसरे पेड़ से पूछा कि क्या मैं आपके पेड़ पर घोंसला बना सकती हूँ। तो उस पेड़ ने घोंसला बनाने के लिए सहमति दे दी। फिर एक दिन जंगल में बहुत बरसात हुई। बरसात में जंगल के कई पेड़ टूटकर बहने लगे। उस बहने वाले पेड़ में वो भी पेड़ था जिसने चिड़िया को घोंसला बनाने से इनकार कर दिया था। फिर क्या था, चिड़िया अपने घोंसले से उस पेड़ को देखकर बोली कि आपने मुझे मना किया था ना घोंसला बनाने के लिए, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। तो वो पेड़ बोला कि नहीं, मुझे पता था कि इस बार के बरसात मेरी जड़ें सह नहीं सकती, जिसकी वजह से तुम्हारा भी नुकसान हो सकता था, इसलिए मैंने मना किया। पेड़ की बात सुनकर चिड़िया को बड़ा अफसोस हुआ। चिड़िया को लगा कि मैं कितनी गलत थी इसके बारे में, मैंने कितना गलत सोचा, लेकिन इसने तो मेरा भला ही किया। वैसा ही हमारे साथ भी जिंदगी में कई बार होता है। कई बार अगर किसी ने हमें मना कर दिया, हमें नहीं बोला, तो हम उसके बारे में अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं, पर हो सकता है कि उसने हमारे भले के लिए नहीं बोला हो। सो टिल देन कीप वॉचिंग स्टार अपेक्स न्यूज, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।